रायबरेली से है जहां दबंगों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। घरेलू विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां, दो लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में लखनऊ में रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिला एरिया थाना क्षेत्र के कल्लू का पूर्वा की यह पूरी घटना है। तो घरेलू विवाद में किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं और इस गोलियों से दो लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। असद खान हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ चुके हैं। असद, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है? किस तरह का विवाद था जिसके बाद ये ताबड़तोड़ गोलियां चली? देखिए, घरेलू विवाद था और कई बार थाने पर इस मामले के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि थाने पर सुनवाई नहीं होती, चाहे पुलिस महानिदेशक इसके लिए आदेशित करे, चाहे हाल ही में आए जो आईजी रेंज हैं तरुण गाबा हैं या पुलिस अधीक्षक हैं आलोक प्रियदर्शी, लगातार निर्देशित करते हैं कि यहाँ भीड़ न लगे, थाने पर इसकी सुनवाई की जाए, लेकिन थानों पर सुनवाई नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल कहीं ना कहीं से गनशॉट हुआ है और ये मिल एरिया थाना क्षेत्र के कल्लू के पुरवा का पूरा मामला है और दोनों जो दोनों लोग हैं दोनों की हालत गंभीर है, इनको ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल पूरे मामले पर अब पुलिस उस पर तफ्तीश पे जरूर जुटी है, लेकिन आखिर जब प्रार्थना पत्र दिया गया था उस समय अगर पुलिस इस पर कार्रवाई करती तो इतना बड़ा हादसा ना होता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।